जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ जय बोलो। जय बोलो जी की भैया, जय बोलो जी की। हाँ जी, हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए भैया जी। हाँ, तो मैं थोड़ी जानकारी चाहता था। हाँ जी भैया, समिति के बारे में और किस तरह से मतलब फॉर्म मिलेंगे किसान। अच्छा अच्छा, समिति के बारे में और हाँ, और थोड़ा किस कहाँ से अलॉटमेंट होगा फॉर्म का, किस तरह से हमारे सेक्टर में। भैया हम लोग 10-12 साल से बाबा के आशीर्वाद से अमरनाथ जी की यात्रा करते थे, तो उसके लिए फिर वहाँ पे छोटा मोटा भंडारा भी करते हैं, चलता फिरता, और जितनी भी सेवा जो आती है वो करते हैं, जैसे बच्चों के लिए हो गया, कितना भी हो पाए। तो उसके लिए एक्चुअली में एक दो बारी हमें दिक्कत आई कि जैसे हमने कहीं पे किताबें बांटी, कपड़े बांटे, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप कहाँ से हो, तो एक नाम चाहिए था, तो इसलिए हमने एक समिति रजिस्टर करा ली भोले बाबा के नाम से, जय भोले की सेवा समिति। सब हमारा ऐसा भी काम था, पर फिर करवानी पड़ी। जब करवाई तो हमारे साथ लोग बॉम्बई से, ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी जुड़े हुए हैं, फॉरन से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो यात्रा करते हैं। तो फिर हमने कहा कि जब करवानी है तो हम ऑल इंडिया लेवल पे करा लें, तो हमारे पास काफी लोग थे, तो बॉम्बे से ऐसे 9 स्टेट के, 12-13 स्टेट के बंदे चाहिए होती हैं ऑल इंडिया में, हमें हर स्टेट से बंदे इकट्ठे करके ऑल इंडिया लेवल से करवा ली। हाँ बिल्कुल, वो तो बाबा का एक वो भी है, वो रास्ता भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा एक बॉम्बे में भी है भैया, वो बॉम्बे से देखते हैं, जो बंदा जहाँ पे गुजरात में अपने अपने लेवल पे काम करता है, जो भी सेवा। आपने पूछा था आपने एमपी में है क्या कहीं सर, आपका जी एमपी में इंदौर भोपाल कहीं पर भी, इंदौर में। हाँ एक्चुअली हाँ, हमारे जो मेन मेंबर हैं वो भोपाल से ही हैं, वो लेकिन उनकी गुड़ी मतलब फीमेल थी, उनकी शादी हो गई अभी, तो थोड़ा ध्यान। हाँ वो भोपाल से ही है मेन, कोई बात नहीं, जैसे आप हैं, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और तो आप समिति, तो हमने क्या किया फिर, हमने अपनी समिति बनाई और कुछ रूल बनाए आपस में कि हम किसी से कभी पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही होगा लोग पर्ची काटने पहुंच जाते हैं, फिर लोग पीछे सामने। हमारे यहाँ पे भी एक भोले राम मित्र मंडल है, वो क्या विष्णु देवी ले जाते हैं 250 रुपए में, आना जाना दोनों है। ये हमारा प्लान था भोले राम, आपने सुना होगा पंडित महेश शर्मा का नाम। अच्छा अच्छा, उनका तो वही था भैया, तो हमने फिर प्लान किया कि हम ना पैसे नहीं मांगे किसी से, तो हम जो समिति के जो लोग हैं नहीं, वो तो सद्धा भक्ति हो जाए, वो गलत कीजिए, सद्धा भक्ति ना, जो भी हमने लोग जोड़े हैं, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, तो जो भी हमने लोग जोड़े हैं या जो भी समिति जुड़े हुए हैं, उनके लिए सख्त मना है कि आपको किसी से पैसा नहीं मांगना, कोई खुद से देगा तो ठीक है, ना ही आपको मांगना है, ना ही पर्ची काटना। जब कोई खुद देगा तो उसकी आपने पर्ची काटनी, उसमें हमारी कंडीशन है कि ज्यादातर हम जो है पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं, ताकि जो सारा ट्रांजेक्शन अकाउंट में आ जाए, उसका ऑडिट हो जाए, भाई कैश का काम है, पर कोई कैश में तो पर्ची। हाँ जी भैया, तो क्या समिति के बारे में, समिति बच्चों को पढ़ाने का काम, कपड़े बांटने का काम, कोई गरीब आदमी है उसको स्टेबल करना, हाँ जी, यात्रा करनी है कहीं पे, केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनके बारे में। जैसे मतलब मैं ये कह रहा था कि मुझे फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास में जो बड़ा ग्रुप मतलब है फैमिली, ठीक है, करीबन 5-6 लोग हो जाएंगे। किसका फॉर्म है, समिति का? हाँ समिति का फॉर्म है, मतलब आपने मतलब जैसे अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो फैमिली वाले। अच्छा अच्छा, अमरनाथ जाना चाहते हैं, तो अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भैया आपको, अभी तो इस साल का आया नहीं है, 2020 का ना, 2020 का जैसे आएगा हम आपको बता देंगे, मेरे ख्याल से 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा नेट पे ना। तो मैं आपको 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका। हाँ शेयर तो आप कर देंगे, जैसे आपके कोई इंदौर में है क्या, जिससे मैं कॉन्टेक्ट पर्सन कर सकूँ, जो मुझे थोड़ी मतलब जैसा मेडिकल वगैरह कहाँ से होगा ये बता दें। दिल्ली से ही सब कुछ बता दूंगा आपको ना, मैं दिल्ली से ही एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दूंगा, या दिल्ली से आप मुझे बताएंगे, जैसे मेडिकल फॉर्म आया मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लिया उसको भर लीजिए, भरने का भी आपको प्रोसीजर बता दूंगा, आपके मेडिकल कहाँ होंगे वो भी बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होंगे वो बता दूंगा, अगर आप 30-40 लोग हैं तो आपका ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, फिर अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, इकट्ठा फॉर्म भरा के ग्रुप रजिस्ट्रेशन करा देंगे। अच्छा मतलब हम करीबन 15-12-13 लोग पहुंच जाएंगे। हाँ तो 5-6 लोग के ऊपर ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपका ग्रुप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो बाकी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस तो सभी का लगेगा सर, 100 रुपए तो लगता है मेरे तो। क्या भैया? नहीं तो जैसे वो जो कार्ड आता है, जो कार्ड आता है ना, वैसे जो अमरनाथ साइन बोर्ड का जो सील लगी होती है, वो कहाँ से मिलता है, वो कैसा है? वो कैसे मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन पहले आप मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के बाद या तो आप बैंक में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या ऑनलाइन कराएंगे, या ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तीन तरीके हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आप लोकल बैंक में जाएंगे अपने यहाँ, जो भी बैंक का नाम होगा आपको बता दूंगा, उस बैंक में जाओगे तो अपना मेडिकल दोगे और एक दो फॉर्म भर के दोगे, तो वो आपको परमिट बना के देंगे स्टैम्प मार के, वहीं से मिलेगा बस। अच्छा
अच्छा वहीं से मिलता है ना। हाँ जी हाँ जी, तो डेट भी वहीं से दे दीजिए। वो अगर जो रूट का वो तो अपने फार्म में रहता है, रूट और डेट आपको डिसाइड करना है किस रूट से और किस डेट में जाना है। तो जब बैंक में जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि भैया हमको समझ लो 6 तारीख को या 7 तारीख को जाना है पहलगांव रूट से, तो वो आपको देख के बताएंगे कि हाँ हमारे पास पहलगांव रूट का फॉर्म है, आप ले लीजिए, तो आपको फॉर्म दे देंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ ऐसा है। अच्छा मतलब अपने हिसाब से बाद में होगा तो ये वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। उस डेट का फॉर्म नहीं होगा या सीटें फुल होंगी तो आपको बता देंगे, या शुरू शुरू में जाओगे तो हर डेट का फॉर्म मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा हाँ वही तो मैं तो इसीलिए मैंने जल्दबाजी मतलब अभी लगाना अच्छा समझा। हाँ जी हाँ जी, जैसे डेट आएंगी, जैसे डेट आएंगी फटाफट आप लोग अपना मेडिकल कराइए, और मेडिकल कराने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका कोई काम नहीं है तो मेडिकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होता है। हाँ नहीं नहीं, प्राइवेट का भी नाम होता है। कई बार क्या होता है ये ना, शाइन बोर्ड हर साल ग्रुप लिस्ट निकालते हैं हॉस्पिटल की कि आपका हिस्सा मतलब हॉस्पिटल कई बार तो गवर्नमेंट से जो होता है, जिला चिकित्सालय बड़ा हॉस्पिटल हो गया वहाँ से होगा। हाँ जी हाँ जी मेडिकल है ना, और कई बार प्राइवेट का जो बिल्कुल बिल्कुल जो लिस्ट में नाम होगा वहीं से होगा। ठीक है भैया। अच्छा तो आप मुझे जानकर आपके इन्वॉल्वमेंट भी है ना कोई? हाँ जी, मतलब कोई बंदा नहीं है जो वर्किंग करता हो इस टाइप का? नहीं नहीं, बंदे हमारे महेश जी हैं, एक महेश जी वो भी ग्रुप लेके जाते हैं वहाँ से। वो हाँ वो हर साल जाते हैं, महेश जी नाम है, वो भी काफी टाइम से अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। अगर नहीं होगा आपको कोई दिक्कत होगी, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे टाई अप कर लेना। हाँ हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। सब भोले भक्त हैं, एक दूसरे की सेवा करेंगे। हाँ हाँ वही तो मैं भी थोड़ा सा यही कह रहा था कि आप मेरे को उनका नंबर दे दो तो मैं जाके मिल लेता, समझ लेता, क्योंकि फर्स्ट के टाइम है अपना पूरा। ठीक है ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे दे दीजिए कि नंबर दे दीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं मतलब 3 बजे तक फ्री हो जाऊंगा यहाँ से, तो मेरे पास स्मार्टफोन आ जाएगा, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, बात कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे, मैंने आपको कल आपको मैसेज करा है, तो आपके अगर इंदौर में कोई हो, कोई भी बंदा हो जो पहली बार गया हो, गया हो, आपको बता रहा हूँ कि अभी ना मतलब अमरनाथ जी यात्रा का शुरू हो गया है, तो दिन के ये मानो आप 20-25 कॉल और मैसेज तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ग्रुप इतने हैं। आप एक दोबारा से मैसेज कर दूंगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। हाँ ठीक, फिर भी मैं आपको जस्ट है ना अभी कर देता हूँ, अगर आपके पास नंबर हो तो आप नंबर सेंड कर दो, तो आपको भी इसका झंझट नहीं रहेगा। मतलब बिल्कुल नहीं, मैं आपको 100% नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर ये है कि बस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई दिक्कत हो, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मुझे आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी आपकी और मेरी बात ना रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो बाकी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है भैया। ठीक है, जय बोले। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।